जालौन का जिला अस्पताल बना शराब पीने का अड्डा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिला अस्पताल में तैनात चीफ फार्मेसिस्ट इमरजेंसी वार्ड में शराब पीते मिले। पूरा मामला जालौन के उरई जिला अस्पताल के पुरुष इमरजेंसी वार्ड का है, जहां अस्पताल प्रांगण में शराब पीने के बाद चीफ फार्मेसिस्ट और उनके साथ अन्य स्टाफ ने अस्पताल में हंगामे के साथ साथ जमकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हंगामा होते देख कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी की चीफ फार्मासिस्ट एस के उपाध्याय ने अभद्र भाषा का प्रयोग। उसका वीडियो बनाओ तुम लोग, बोलो टमाटो टमाटो पहले ढूंढो, बोलो बोलो निकाल निकाल बोतल निकाल के रखो। इस दौरान चीफ फार्मासिस्ट की कमरे में कई बार लड़खड़ाकर गिरने की तस्वीर भी मीडिया के कैमरे में कैद हुई। मामले की जानकारी पर पहुंचे अस्पताल के सीएमएस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जांच का विषय है और जांच कर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, आज मुझे संज्ञान में मिला है कि एस के उपाध्याय नाम का जो चीफ फार्मासिस्ट है हमारा, उसकी आज ड्यूटी भी नहीं थी, फिर भी वो इमरजेंसी के एक कक्ष में कमरा बंद करके शराब पी रहा था और शराब के नशे में धुत पाया गया। उसको दरवाज़ा खुलवाने पे वो बार बार शराब के नशे में था और गिर गिर पड़ रहा था ज़मीन पर। तो चूँकि ये कृत अच्छा नहीं है, उसको पूर्व में भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आप ड्यूटी पर जब भी रहें तो शराब ना पिएं। हालांकि वो आज ड्यूटी पे नहीं था, फिर भी वो नशे की हालत में उसने यहाँ पे अड्डा बना रखा है। सर दोनों पकड़े गए हैं। दूसरा एक फार्मासिस्ट और है जो उसके कमरे में मौजूद था मेरे सामने और मीडिया के सामने, उसको दरवाजे को खोलने पे वो भी साथ में मिला था और शायद उसने जैसे कि मीडिया वालों ने बताया कि गाली गलौज भी किया है, धमकी तक दे रहे हैं। हाँ, और अभद्रता से बहुत पेश आए लोग नशे में। तो मैंने पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी है और मैं उस संबंधित फार्मासिस्ट की डॉक्टरी जांच करा के दंडित करूंगा। अरे